दिल्ली की 70 सीटों पर 8 फरवरी को मतदान, 11 को नतीजे। शेयर बाजार पर दिखा अमेरिका ईरान तनातनी का असर। जेएनयू मारपीट मामले में सोनिया का पीएम पर हमला, शिवसेना की शरद पवार को राष्ट्रपति बनाने की तैयारी। केंद्रीय गृह मंत्री ने दिल्ली साइकिल वॉक की आधारशिला रखी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होगा और 11 फरवरी को चुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे। विधानसभा चुनाव के लिए 1,46,00,000 मतदाताओं के लिए 2,690 स्थानों पर मतदान होगा, जिसके लिए 13,757 पोलिंग बूथ बनाए गए। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर मुकाबला त्रिकोणीय है। एक और सत्ताधारी आम आदमी पार्टी तो विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के बीच टक्कर होगी। बंबई शेयर बाजार के प्रमुख सेंसेक्स सूचकांक में सोमवार को शुरुआती कारोबार के दौरान करीब 450 अंक की गिरावट दर्ज की गई। कारोबारियों के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के चलते बाजार दबाव में है। बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स सूचकांक शुरुआती कारोबार के दौरान 449.67 अंकों की गिरावट के साथ 41,01,494 पर था, जबकि एनएसआई का निफ्टी सूचकांक 144.45 अंकों की गिरावट के साथ 12,08,20 पर आ गया। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में रविवार को हुई इस हिंसा पर कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बयान जारी किया है। सोनिया गांधी ने कहा कि आज देश में युवाओं और छात्रों की आवाज़ को दबाया और उनका मजाक बनाया जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मोदी सरकार के संरक्षण में देश के युवाओं की आवाज़ को दबाकर गुंडों द्वारा हिंसा को बढ़ावा दिया जा रहा है। शिवसेनाएं एनसीपी प्रमुख शरद पवार को राष्ट्रपति के रूप में देखना चाहती है। 2022 में होने जा रहे राष्ट्रपति चुनाव के लिए शिवसेना और गैर बीजेपी पार्टियों को एकजुट करके पवार को बतौर राष्ट्रपति उम्मीदवार पेश करना चाहती है। इसके लिए जल्द ही शिवसेना सांसद संजय राउत कई राज्यों का दौरा करने वाले हैं। राउत इस सिलसिले में जल्द ही पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ, राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत और केरल के सीएम पिनराई विजयन से मुलाकात करेंगे। दिल्ली में चुनावी तारीखों के ऐलान से ठीक पहले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजधानी दिल्ली में साइकिल वॉक की आधारशिला रखी है। इस दौरान अमित शाह ने दावा किया कि साइकिल ट्रैक अमल में आने के बाद दिल्ली से 20% प्रदूषण कम हो जाएगा। वहीं अपने भाषण में अमित शाह ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके वादे याद दिलाते हुए जमकर निशाने पर लिया।